लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा में भारी बारिश है। जोधपुर में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बीते चार दिनों में हो रही है ये बारिश और राजस्थान में अब तक 40% से ज्यादा बारिश हुई, जो कि सामान्य से ज्यादा बताई जा रही है। तो हर साल तेज बारिश के चलते जिस तरह से कई इलाकों में देश के राज्य कई राज्यों में पानी भरने की समस्या जो पैदा होती है, राजस्थान भी उनमें से एक है। जोधपुर से अरुण हर्ष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, आप बताइए किस तरह के हालात इन इलाकों में बने हुए हैं और चेतावनी के तौर पर लोगों के लिए क्या मैसेज है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल प्रवोधि, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से जोधपुर में चार दिनों से जो बारिश हो रही थी उस बारिश के साथ साथ हम एक कॉलोनी है डरबी कॉलोनी जहां हम खड़े इस वक्त, लेकिन इस तरह से 30 स्थानों पर जल भराव की स्थिति हो गई थी और ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से इन कॉलोनियों में पानी भर गया था। ये कॉलोनी में करीब 2000 लोग रहते हैं और आप देखिए संपर्क मार्ग है जो पूरा डूबा हुआ है, लोग मजबूरी में जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ रेस्क्यू करके कुछ लोगों को घरों से खाली भी करवाया था, लेकिन जिस तरह से ये डरबी कॉलोनी के अलावा रूपनगर की बात करें जहाँ सेना का भी सारा लेना पड़ा था और सेना के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया और खाने पीने की चीजें पहुंचाई, तो कह सकते हैं जो चार दिनों की बारिश है उसने प्रशासन के दावों की पोल खेल दी। हालांकि जिस तरह से बारिश रुकने के साथ ही तमाम मंत्रियों के दौरे भी शुरू हो चुके हैं और मंत्रियों ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं, उसी अनुसार अब प्रशासन काम कर रहा है, लोगों को खाने पीने की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन कह सकते हैं भारी बारिश ने जोधपुर का जनजीवन है जो अस्त व्यस्त कर दिया। जोधपुर नहीं, अगर बात पूरे राजस्थान की करें, प्रदेश की करें, तो जिस तरह से चंबल में जिस तरह से बाढ़ आई थी और जिस तरह से कोटा बैराज के गेट खोले गए थे, उसी तरह भीलवाड़ा में जिस तरह से पानी बढ़ा था, तो कह सकते हैं औसत से ज्यादा बारिश राजस्थान में हो चुकी है और उस बारिश का खामियाजा आम लोग भी भुगत रहे हैं। और ये जो खामियाजा है इसके साथ साथ अगर बात करेंगे जिस तरह से जो प्रशासन है जगह जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे ड्रेनेज सिस्टम को लेकर और प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जोधपुर आए थे, उन्होंने अभी आश्वासन दिया लोगों को, लेकिन कह सकते हैं हालात अभी भी। धन्यवाद आपका अरुण, आपका सारी डिटेल साझा करने के लिए।